लखनऊ में कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आप देख सकते हैं कि चारबाग में किस तरीके से हुजूम इकट्ठा हो रहा है। जब कोई मुख्यमंत्री बोल दे कि 20-80 तो उसका मतलब क्या होता है? जब वो कहते हैं 80-20 वही बांट रहे होते हैं, हम उसी को जोड़ रहे हैं। जितनी जब फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है तो आप उलझुल बकने लगते हैं। राहुल जी का चेहरा, जाहिर सी बात है, वो इतने हैंडसम है कि लोगों को पच नहीं रहा है। अब वो करें क्या? तो हमारे राहुल जी भारत को जोड़ रहे हैं, अपने कर्म भूमि में कर्म कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं, किसी राज्य विशेष के लिए नहीं। लेकिन हमारे आदरणीय जो उन पे सवाल खड़ा करते हैं, जब वो अपनी माँ के साथ होते हैं तो माँ ने हाथ जोड़ा होता है। जब हमारे राहुल जी हमारी आदरणीय सोनिया जी के साथ होते हैं तो पीछे पूरा परिवार होता है। जब किसान खेत में होता है ना तो वो जाके नाई के पास नहीं बैठा होता है, वो जोड़ने वाले सड़क पे होते हैं और सड़क खोदने वाले कहीं और। मीडिया को सिर्फ गुजरात क्यों दिख रहा है, हिमाचल क्यों नहीं दिख रहा है, और जगह पे इनकी जमीन खिसक गई है, सिंहासन डोल रहा, वो क्यों नहीं दिख रहा है? लखनऊ में कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आप देख सकते हैं कि चारबाग में किस तरीके से हुजूम इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर जब दो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दो चेहरे जब नजर आते हैं तब शायद इतना भीड़ देखने को मिलता है, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, ये अगर आती हैं तो शायद इतना हुजूम नजर आता है। लेकिन आज दोनों चेहरे यहाँ पर नहीं मौजूद है, लेकिन फिर भी हुजूम मौजूद है। ये कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है। बीजेपी कह रही है भारत बटा कब था, टूटा कब था, जिसे जोड़ने राहुल गांधी निकले। जब वो कहते हैं 80-20 वही बांट रहे होते हैं, हम उसी को जोड़ रहे हैं। जितनी खाइयाँ वो पैदा कर रहे हैं, जब कोई मुख्यमंत्री बोल दे कि 20-80 तो उसका मतलब क्या होता है? शायद उसके मायने सबको पता है। तो उस बंटवारे को प्यार, सहूलियत और जो नफरत का जो इतना तांडव मचा रखा है उसको जोड़ने की बात हो रही है। हम जोड़ेंगे, हम सड़क पे हैं, जोड़ने वाले सड़क पे होते हैं और सड़क खोदने वाले कहीं और हैं, जिन पे आप देख रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष के आने में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि इनके प्रशासन में, इनके शासन में जितनी ज़्यादा विभिन्नताएँ को देख रही है, कुछ भी नहीं करना है इनको, सिर्फ बोलना है, सिर्फ बोलना है, बोलना है। आप क्या कर रहे हो उसको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है आपकी उंगली सिर्फ उधर रहती है। राहुल गांधी माँ से ममता से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं पर एक गंभीरता के चेहरे से नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे से कहीं और मिलाया जा रहा है सद्दाम हुसैन, फला फला पता नहीं क्या क्या मिलाया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि माँ की ममता। जब हमारे राहुल जी हमारी आदरणीय सोनिया जी के साथ होते हैं तो पीछे पूरा परिवार होता है कांग्रेस का। लेकिन हमारे आदरणीय जो उन पे सवाल खड़ा करते हैं, जब वो अपनी माँ के साथ होते हैं तो माँ ने हाथ जोड़ा होता है। कब भारतीय संस्कृति में किसी माँ ने किसी बेटे के सामने हाथ जोड़ा है? मैंने सर हाथ पे देखा है और वहाँ माँ का जुड़ा हुआ हाथ अच्छा लगा आपको देख के? मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। और उस परिवार में सिर्फ माँ होती है, माँ के पीछे फोटो होती है, फोटो में फोटो होती है, लेकिन कोई परिवार का नहीं होता है। किस परिवार की बात करते हैं, किस भारतीयता की बात करते हैं? भारतीयता में संयुक्त परिवार रहा है, वहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अगर वो परिवार से मिलने जाते हैं, कैमरामैन पहले, उसके बाद मोदी जी, और वहाँ बैठी हुई सिर्फ माँ और उसका हाथ जुड़ा हुआ, उसके बाद में आती हूँ जो अपने कहा चेहरा मिला रहे हैं जिसके पास करने। मोदी जी दाढ़ी बढ़ाएं तो समझ में आता है कि वो योग पुरुष अपने आप को कहलवाते हैं, और राहुल गांधी दाढ़ी बढ़वा लिए तो वो सद्दाम हुसैन। जब किसान खेत में होता है ना तो वो जाके नाई के पास नहीं बैठा होता है, वो अपना कर्म पूरा कर रहा होता है। जब कर्म से उसको मुक्ति मिलती है, जब अपना कर्म पूरा कर लेता है, खेत जोत के बो के पूरा पानी और सब कुछ मिल चुका होता है, तब वो आराम से बैठता है और उस महीने में अपने आप को देखता है। तो हमारे राहुल जी भारत को जोड़ रहे हैं, अपने कर्म भूमि में कर्म कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं, किसी राज्य विशेष के लिए नहीं। कि मैं भारत का बेटा हूँ, बनारस में बनारस का बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश में बस मेरे चेहरे पे वोट देना, क्या है ये? भारत माता की बात होती कब है? और राहुल जी जिस की बात कर रहे हैं वहाँ पे स्वांतः सुखाए की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे पूरे इस देश की बात हो रही है। और चेहरा किसी से मिलाइए, वो आप भी जानते हैं कि जब फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है तो आप उलझुल बकने लगते हैं। राहुल जी का चेहरा, जाहिर सी बात है, वो इतने हैंडसम है कि लोगों को पच नहीं रहा है। अब वो करें क्या? तो हमारे नेता को देखने के लिए पूरी जनता आगे पीछे दौड़ रही है। एक बात नहीं समझ में आ रहा रफत जी, कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, गुजरात के अंदर जोड़ा नहीं बल्कि 19 पर आके अटक गए हैं आप लोग। हमें तो समझ नहीं आ रहा है, मीडिया को सिर्फ गुजरात क्यों दिख रहा है, हिमाचल क्यों नहीं दिख रहा है, और जगह पे इनकी जमीन खिसक गई है, सिंहासन डोल रहा, वो क्यों नहीं दिख रहा है?
जहाँ पे बीजेपी की जो साग गिर गई है उसको क्यों नहीं मीडिया दिखा पा रहा है। तो ये गोदी मीडिया का भी असर है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। आपकी तो जिम्मेदारी है कि आप पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर बात करें, ना कि किसी एक पार्टी विशेष की बात करें। नहीं, वहां से अगर घटा है तो पूछा जाएगा ना सवाल, कांग्रेस से पूछा जाएगा। बिल्कुल, हम तो अपनी जमीन बना रहे हैं। आप देख रहे हैं जन समर्थन, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के लिए लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा करें तो मुद्दे विलुप्त करने वाले लोग वो हम पर सवाल उठाएंगे। आज जो मुद्दे हैं जनता के जो संवेदनाओं से अगर जुड़ रहा है तो कोई है, वो है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पे इसीलिए सवाल खड़े होते हैं क्योंकि वो जनता से मुद्दों पे जुड़े हैं, उनकी संवेदनाओं के साथ है, उनकी भावनाओं के साथ है। आज जो हमारे साथ जो नफरत जो फैलाई जा रही है, हम नफरत तोड़ने की बात कर रहे हैं और प्यार जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम मोहब्बत का सैलाब लेके चल रहे हैं, तो इस पे लोगों को प्रॉब्लम तो होगी जाहिर। हुसनारा, जुड़ेंगे लोग कि नहीं जुड़ेंगे भारत जोड़ो यात्रा में? ये कैसे कह दिया नहीं जुड़ेंगे, ये आपको क्या कैसे टूटे हुए लोग लग रहे हैं, जुड़े हुए लोग लग रहे हैं? ये सब कोई किराए की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये स्वयं और अपनी सुरक्षा से आए हुए लोग हैं। अच्छा, ये जो सद्दाम हुसैन से चेहरा मिलाया गया राहुल गांधी का, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मानसिकता है, जैसा आप सोच लें आपकी मानसिकता पे निर्भर करता है। आप गंदा सोचेंगे तो गंदा आंखों से दिखेगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा दिखेगा। आप उसी को किसी योग और ऋषि से जोड़ दें और किसी को आतंकवाद से जोड़ दें, ये तो आपकी सोच पे निर्भर, जिसकी जैसी सोच। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं आई हुई थी, जो आप सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन ये आप जनाधार देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से कारवा जो है वो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात के अंदर हालांकि 19 सीट कांग्रेस लेकर आती है तो हिमाचल प्रदेश में बहुमत से सरकार बना लेती है, ये हकीकत बात है। आरोप तो लगेंगे जब एक ही जगह को टारगेट किया जाएगा, यानी गुजरात में घटा है वो दिखाया जा रहा है, हिमाचल में सरकार बनी वो नहीं दिखाया जा रहा, तो इस पर लोगों का काफी रोष नजर आ रहा है। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।